खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां शौचालय स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत मेंटेनेंस साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए 15,000 आता है, लेकिन ये पैसा शौचालय की सफाई तक पहुंचता ही नहीं है। बता दें कि राजनांदगांव की 51 वार्ड में कुल 72 शौचालय हैं, जिसमें 68 शौचालयों का उपयोग किया जाता है। इस पूरे मामले में पार्षद ऋषि शास्त्री की कवे तो उन्होंने बताया कि साल में 2 करोड़ रुपए शौचालय की मरम्मत के लिए आते हैं, लेकिन मरम्मत की राशि भी पता नहीं चलती। वर्तमान में अधिकतर शौचालय मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। साथ ही दूसरी तरफ निगम के कार्यपालन अभियंता ने रामटेक शौचालय की सफाई का भुगतान करने की भी बात की। जी, वार्ड नंबर 42-43 जो पूर्व में 38 वार्ड नंबर था, वहाँ कुल 3 सुलभ शौचालय है, जिसमें एक सुलभ शौचालय 15 वर्ष पूर्व बना, जिसे निगम ने कंडम घोषित कर दिया है। बावजूद शासन द्वारा उस सुलभ के संचालन के लिए 15,000 रुपए की राशि स्वीकृत है। दूसरा सुलभ है जो मिशन क्लीन सिटी के तहत सन 2014 में कोई रिकॉर्ड आज भी नहीं है, उस पर FIR हुई है और रिकॉर्ड बनाने कहा गया है। तीसरा जो मेरे आप पीछे सुलभ शौचालय देख रहे हैं, ये जब बसंतपुर बसावट हो रहा था तब से सुलभ बना हुआ है और आज भी ये शासन श्रृंगार योजना में संचालित है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा, मैंने पूर्ण पत्र भी दिया है, कि राजीव नगर वार्ड नंबर 42-43 में इस तरह जो सुलभ की हालत बनी हुई है उसको मैंने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया है, और 15 साल रह करके सुलभ को कंडम घोषित कर दिया जाता है, जबकि सुलभ आप पीछे स्वयं देख सकते हैं कि जो 40 साल पुराना सुलभ है वो आज भी खड़ा हुआ है। तो अगर निगम रख रखाव और देख रेख करती है और जो राशि आ रही है मरम्मत संधारण की 2 करोड़ की राशि आ रही है, अगर सुलभों का अच्छा संचालन होगा तो निश्चित ही वो 50 वर्ष तक टिक पाएंगे। इसी उद्देश्य से मैं मांग करता हूँ कि वार्ड में जो जिस तरह प्रकार से अभी हाईटेक सुलभ की बात चल रही थी, तो राजीव नगर बसंतपुर में भी इस तरीके का एक सुलन अगर कंडम घोषित हो गया तो उसे डिसमेंटल करके उसे किसी अच्छे गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए मैं शासन को अवगत करा चुका हूं और आगे भी कराते रहूंगा। मैं यहाँ 72 शौचालय है, उसमें 67 का वो कर रहे हैं, अभी वो काम होता है मैंने जो चल रहा है, और उसमें जहाँ जहाँ बंद पड़े हैं उनको भी भुगतान नहीं करते और उनके स्थिति के हिसाब से भुगतान होती है, उसका भी भुगतान नहीं है। सूची भी जरूर होगा लेकिन भुगतान नहीं होते, अलग अलग जगह का चेक करके होते हैं, और क्योंकि अभी विगत महीनों से कोई भुगतान नहीं किया है, जब बिल आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे शौचालय बना है 2014 से, लेकिन यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं होता और कई लोग को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कई के घर में शौचालय नहीं है तो लेडीज लोग भी बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ नगर निगम में भी गए थे पार्षद के साथ, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यहाँ साफ सफाई जरूरी है और यहाँ का शौचालय चालू होना जरूरी है। और ये सरकारी सुलभ है तो बंद है, जाए बर मुश्किल हो गए हावे। हम नाली में बैठ बैठ के गुंजाइश करा था, मोहल्ला वाले गाली दे थे, रोज सुना था। पार्षद ला बता तो पार्षद कुछ नहीं करते, पार्षद हो जाही बोलते, नहीं बनवा।